Lights, camera, action. Hello friends, welcome to the my YouTube channel Info Facts Vlogs. Please subscribe it and click on the bell icon. Videos pasand aaye to like karna aur share karna na bhule. Hello dosto, Jai Hind Jai Bharat. Aaj aapko le chalte hain India's most famous holiday destination, Goa. Goa jo popular hai apni white sand beaches, nightlife, parties aur natural beauty ke liye. यहाँ भारत के साथ साथ विदेशों से भी लाखों टूरिस्ट आते हैं। हम गोवा के 4 नाइट्स और 5 डेज के टूर की बेस्ट आइटिनरी प्लानिंग करेंगे, जो एक बजट फ्रेंडली और गोवा को एक्सप्लोर करने का सबसे बेहतर तरीका होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि गोवा कैसे पहुँचे। पहला ऑप्शन जो कि सबसे बेस्ट है वो है बाय ट्रेन। यहाँ 3 स्टेशन है जैसे थीवी, वास्को डी गामा और मडगांव। यदि आप उत्तर भारत जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ आदि से आ रहे हो तो त्रिवम स्टेशन पर आए, जहां से बागल या कैलिंगट लगभग 18 किलोमीटर है। यहां से टैक्सी फेयर लगभग 500 रूपए से 700 रूपए तक है। और यदि आप साउथ इंडिया जैसे कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल आदि से आ रहे हो तो आपको मडगांव स्टेशन आना होगा, जो बागा बीच से लगभग 48 किलोमीटर है। मडगांव से बागा बीच टैक्सी फेयर 2300 से 3000 रूपए तक हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है बाय फ्लाइट। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भारत के हर सिटी से फ्लाइट्स ऑप्शंस अवेलेबल है। एयरपोर्ट से बागा 42 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से प्रीपेड टैक्सी का फेयर 1300 रूपए से 2400 रूपए तक हो सकता है। महाराष्ट्र के बहुत सी सिटीज जैसे पुणे से बाय बस भी आप आ सकते हो। आगे बात करते हैं अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन के लिए सबसे बेस्ट लोकेशंस है बागा बीच, कैलिंगट, अंजुना और कैंडली। यदि आप फ्रेंड्स के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शंस है नियर बागा बीच एंड कैलिंगट बीच। यदि आप कपल या फैमिली के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हो तो कैंडलीन बीच आपका बेस्ट लोकेशन होगा। गोवा में अकोमोडेशन के लिए बीच साइड प्रीमियम रिजॉर्ट्स, बजट होटल्स और होमस्टे जैसे ऑप्शंस अवेलेबल है। बागा और कैलिंगट बीच साइड बहुत से होमस्टे हैं जो किसी बजट होटल से लेकर डेलक्स अकोमोडेशन जैसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। गोवा के लिए अकोमोडेशन बुक करने के लिए सबसे बेस्ट ऑनलाइन साइट है agoda.com। यहाँ रिव्यू चेक कर सेम होटल के लिए गूगल रिव्यू चेक करे और अकॉर्डिंग टू बेस्ट रिव्यू एंड बजट अपने लिए होटल बुक कर ले। यदि आप ऑनलाइन नहीं भी बुक करते हो तो बागा, कैलिंगट और अंजुना में होमस्टे, बजट होटल और प्रीमियम रिजॉर्ट्स के बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस तरह 3 नाइट्स के लिए नॉर्थ गोवा में अकोमोडेशन बुक करें। इसके बाद देखते हैं कि गोवा में घूमने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के क्या ऑप्शंस हैं। इसके लिए 2 बेस्ट ऑप्शंस हैं। एक बाइक या एक्टिवा रेंट पर लेना। गोवा में हर जगह एक्टिवा रेंट पर लेने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके लिए आप गूगल मैप के नियर बाय सर्विसेज को ओपन करें और वहां कार रेंटल या बाइक रेंटल से अपने नियरेस्ट अवेलेबल कार या बाइक रेंटल सर्विस के रिव्यूज को चेक कर ले और रिव्यूज के अकॉर्डिंग एक एक्टिवा रेंट पर ले। आपके होटल रिसेप्शन से भी कॉन्टेक्ट कर आप इसे अरेंज कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 400 रूपए से 600 रूपीज तक हो सकता है, जिसमें आपको एक हेलमेट प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कार रेंटल। इसके लिए भी आप गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं। यहाँ सेडान से लेकर एमपीवी तक कार रेंट पर लेने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसके चार्जेस वेरी करते हैं फ्रॉम 1200 रुपीज टू 2500 रुपीज। इस तरह घूमने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम निकलते हैं अपने गोवा टूर के लिए। यदि आप फर्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जाएंगे मोरिजम बीच, जो बागा सेंटर से 17 किलोमीटर दूर है। हम फर्स्ट डे बागा के नॉर्थ साइड के बीचेस को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा मोरिजम बीच, जो एक ब्यूटीफुल व्हाइट सैंड से भरा व्हाइट और नेचुरल बीच है। ये लेस क्राउडेड बीच सुबह की शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट है, जहां आप अपने फैमिली या दोस्तों के साथ पीसफुल रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ बीच शक्स और रेस्टोरेंट्स के ज्यादा ऑप्शंस तो अवेलेबल नहीं है, बट गोवा में लेस क्राउडेड बीच पर टाइम स्पेंड करना एक अद्भुत अनुभव देता है। यहाँ कुछ पल बिताने के बाद जब आप रिटर्न अरम्बोर की ओर जाएंगे तो बहुत से फूड ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जहाँ आप लोकल गोवन फूड को एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद आगे नॉर्थ में हम जाएंगे मनरेम बीच, जहाँ कुछ ऐसा व्यू होगा जहाँ एकांत, सुरक्षित और अच्छा माहौल होता है। ये
ये एक क्लीन और नाइस प्लेस है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। नेक्स्ट बीच डेस्टिनेशन होगा अरम्बोल। अरम्बोल मनरेम बीच से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इंटरनेशनल टूरिस्ट्स के बीच पॉपुलर जगह है जहां एक मार्केट है। अरम्बोल मार्केट में गोवा की सबसे यूनिक शॉप्स है जो बेसिकली मोस्टली रशियन और कुछ इसराइली सिटीजंस द्वारा रन की जाती है। यहां आप कई यूनिक आइटम्स परचेस कर सकते हैं। यहां एक अलग ही माहौल होता है, साथ ही कई रेस्टोरेंट कैफे और स्नैक स्टॉल्स आपको यहां मिलेंगे। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद चलते हैं अरम्बोल बीच की ओर। अरम्बोल बीच बेहद ही खूबसूरत क्लीन और शांत बीच है। यहाँ आप देख सकते हैं बीच अम्ब्रेलास, बेड्स, बीच फ्रंट रेस्टोरेंट्स और बीच शैक्स है जहाँ भरपूर फूड ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ मोस्टली रशियन क्राउड है। यहाँ आपको सर्फिंग एक्टिविटीज देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ एक सर्फिंग स्कूल रन किया जाता है जहाँ सर्फिंग करना सिखाया जाता है। इसके नॉर्थ एंड पर एक हिल टॉप है जो कि बेसिकली एक व्यू पॉइंट है जहां से आप बीच के साथ स्वीट वाटर लेक का व्यू कैप्चर कर सकते हैं। आप यहां से नॉर्थ एंड की ओर वॉकिंग करते हुए आप स्वीट वाटर लेक तक ट्रैकिंग कर जा सकते हो जहां से कुछ ऐसा व्यू मिलता है। ये एक स्मॉल लेक है। यहां से आगे हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा वागटोरे बीच। यदि आपने अभी तक अपना लंच नहीं लिया है, रेकमेंडेड है कि आप पहले लंच लेकर ही आगे जाएं। यदि आप अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट डे नहीं स्टार्ट कर पाते हो और आफ्टरनून में फर्स्ट डे का टूर स्टार्ट करते हो तो रेकमेंडेड है कि आप यहां से आगे आइटिनरी को फॉलो करें। वागाटोर बीच जाने से पहले आप चापोरा फोर्ट जा सकते हो जो कि चापोरा रिवर के किनारे पर स्थित है। यहां ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों से जाना होगा। यहां ऊपर बहुत ही शानदार माहौल होगा क्योंकि यहां से एक और आपको मिलेगा चापोरा रिवर का व्यू, तो दूसरी आप अरेबियन सी का बेहद ही स्टनिंग व्यू कैप्चर कर सकते हो। इस तरह यहाँ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद अब समय है वागाटोर बीच जाने का। नेक्स्ट डेस्टिनेशन वागाटोर बीच। वागाटोर बीच एक फेमस क्लीन व्हाइट सैंड बीच है। इस खूबसूरत बीच पर आप एक एंजॉयबल टाइम स्पेंड कर सकते हो। वागाटोर बीच पर काफी वाटर एक्टिविटीज होती है। आप चाहे तो यहाँ भी कोई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो। इसके एक एंड पर बड़े बड़े रॉक्स है जिन पर चढ़कर आप फोटोग्राफी कर सकते हो। इन्हीं रॉक्स पर आप शिव जी का एक त्रिशूल लगा हुआ देखेंगे। यहाँ पर कई बीच फ्रंट रेस्टोरेंट, बीच शैक्स, अम्ब्रेलास और बीच बेड्स के साथ फूड के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप यहाँ के बेहतरीन लैंडस्केप को अपनी फोटोज में कैप्चर करें और थोड़ी देर मोमेंट को एंजॉय कर आगे चले एंजुना बीच जहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और सनसेट को एंजॉय किया जा सकता है। इसी के पास एक क्लिफ टॉप है जहाँ नाइट पार्टी के लिए कई बार एंड क्लब्स है। अंजुना बीच इज अमंगस्ट द मोस्ट पॉपुलर बीचेस इन गोवा। ये लेंथ में लगभग 2 किलोमीटर है जो पॉपुलर है अमंगस्ट फैमिलीज एंड वाटर स्पोर्ट्स लवर्स, जहां सभी तरह की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है जैसे जेट स्की, बनाना राइड, पैरासेलिंग, बम्पर राइड और स्पीड बोटिंग। आप ये सभी एक्टिविटीज यहाँ 1500 रुपए के पैकेज में कर सकते हैं, जबकि इनमें से किसी एक एक्टिविटी करने में ही 600 रुपए से 700 रस चार्ज लग सकता है। यहाँ बागा बीच और कैलिंगट बीच के कंपैरिजन में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के चार्जेस कम होते हैं। यहाँ बीच फ्रंट रेस्टोरेंट और बीच शैक्स में ड्रिंक और फूड के बेहतरीन ऑप्शंस अवेलेबल है। इस तरह इस बीच का सीनिक व्यू और ब्यूटीफुल लैंडस्केप को एंजॉय कर लेट इवनिंग सनसेट को भी एंजॉय करें। एट नाइट अंजुना बीच बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट हब्स इन गोवा फॉर नाइट लाइफ। इसके अलावा अंजुना वेंसडे नाइट मार्केट के लिए फेमस है। अब बात करते हैं अंजुना नाइट लाइफ की, जहां गोवा के पॉपुलर नाइट क्लब्स हैं, जैसे करीज, पैराडीसो डिस्कोटेक, द नाइन बार, बुद्धा लाउंज गोवा, यूटोपियन रिट्रीट्स, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार, क्लब क्यूबाना, शो बार, फैंसी बार, सी ब्रीज बार। यहां डांस और म्यूजिक, एक्सोटिक फायर शोज, डीजे और मून पार्टीज से नाइट लाइफ बेहतर तरीके से एंजॉय किया जा सकता है। इसके अलावा वागाटोर क्लिफ टॉप पर भी नाइट लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है। वागेटर्स ब्यूटी इज सीन आफ्टर सनसेट, जहां डांस, म्यूजिक और हैंगआउट नाइट पार्टीज इसकी नाइट लाइफ को शानदार बनाती है। यहां मेन रोड पर पब्स, रेस्टोरेंट्स और क्लब्स हैं,
यहाँ के मोस्ट पॉपुलर पार्टी वेन्यूज लाइक हिल टॉप एंड नाइन बार वागाटोर बीच के पास ही है। इस तरह आप गोवा की फर्स्ट डे और फर्स्ट नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेट नाइट आप जाए आपके होटल, आज का नाइट स्टे यही गोवा में। नेक्स्ट डे की आइटिनरी के लिए रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।